फाइनली भाई अगली न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो सैमसंग के गैलेक्सी नोट के रिलेटेड है। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है इस पॉइंट के ऊपर कि इस साल सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज नहीं आ रही, उसकी जगह सैमसंग दो फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करने वाला है। तो गैलेक्सी जी फ्लिप 3 और जी फोल्ड 3 जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि 11 अगस्त को जब ये लॉन्च होंगे तो होपफुली आपको मेरे मेन चैनल से भी कुछ खुशखबरी मिल सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? उसको छोड़ दें, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। वो जो फोल्ड फोन्स हैं वो तो इस साल लॉन्च हो ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने नोट सीरीज को स्किप किया है, तो अगले साल पहले S22 को लॉन्च करने से पहले हमें अगर आप गैलेक्सी नोट सीरीज का कोई नया फ़ोन दे दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूज़र्स जो हैं वो नोट सीरीज़ को मांग रहे हैं, और उसके पीछे काइंड ऑफ रीज़न ये भी है कि हर यूज़र को पता है कि अगर नोट सीरीज़ का फ़ोन आ जाता है तो वो ऑलरेडी वो सब काम करेगा जो कि एस सीरीज़ का फ़ोन करता है, और उसके अंदर पेन की सपोर्ट भी होगी। तो देखते हैं कि सैमसंग इस पिटिशन को मानता है या नहीं मानता, और अगर सैमसंग मानता है तो सैमसंग का जो पूरा लाइनअप है उसकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नोट सीरीज़ की जगह पर फोल्ड लॉन्च कर दिए हैं, और अगर वो एस सीरीज़ की जगह पर नोट दे देते हैं तो फिर अगला जो फ़ोन आएगा वो एस सीरीज़ का होगा, लेकिन फिर अगर एस सीरीज़ आ जाएगी तो फिर फोल्डेबल्स कहाँ जाएंगे अगले साल? तो देखने में आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन यूज़र जो हैं वो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें नोट सीरीज़ का फ़ोन भी चाहिए, काफ़ी नोट यूज़र्स हैं, काफ़ी नोट फैंस हैं।